तो बीजेपी का ये तब जब बीजेपी ने जींद उपचुनाव जीता था, कभी जींद में उससे पहले बीजेपी नहीं जीती थी, वो भी सीट बीजेपी की नहीं थी, मगर जींद उपचुनाव जीते और प्रदेश के अंदर उससे भाजपा मजबूती मिली, और मजबूती ऐसी मिली कि बड़ी मुश्किल सभी नारों के बाद, सभी तरह का देश में प्रचंड बहुमत आया भाजपा का, उसके बाद 75 पार के नारे के बाद और जींद के उपचुनाव के जीत की के बाद बड़ा मुश्किल 40 तक पहुंचे। कैसे पहुंचे आप और हम जानते हैं, आपने सारी मीडिया चैनल तो 83 दिखा रहे थे, एबीपी होगा हो सकता है, मैं तो बुरा ही मान जाए, नहीं तो 83 दिखा रहे थे तो बहुत, उसके बावजूद तो कहने का मतलब ये है कि जींद में भी बीजेपी कभी नहीं जीती थी, उसके बारे में क्या मानना है। देखिये उपचुनाव सरकार का माना जाता है, और जहां केवल 4000 से सरकार हारी हो, सरकार के उम्मीदवार भाजपा 4000 से हारी थी आज से एक साल पहले, वहां कांग्रेस की इतनी वोट कैसे बढ़ गई। तो ये तो लोग, मैं समझता हूं कि 60,000 लोगों को जो मतदान जिन्होंने किया सरकार के खिलाफ, उनको नकारना मुख्यमंत्री जी को और महंगा पड़ेगा, इस सरकार को और महंगा पड़ेगा, अगर ये 60,000 लोगों की आवाज नहीं सुनी गई प्रदेश में जिन्होंने सरकार को नकारने का काम किया गया, और इनके जो है इनको ये कहा गया कि इसमें तो हमारी जीत है और हमारे तो सब कुछ कानून भी ठीक है, और ये तो जेजेपी ने वोट नहीं दी, तो मैं समझता हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। संवेदनशीलता से जो है लोगों को हर एक मतदाता का जो है सरकार को हर एक मतदाता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। देखो जो है कैसे बढ़ा आप बताओ, नहीं तो क्या मतलब, ये मान, ये उनकी बात ठीक मान ली जाए कि उनका तो बड़ा और केवल जेजेपी का जीरो पे आ गया, क्या जेजेपी का वोट वहां शून्य था, क्या प्रदेश में जेजेपी शून्य होगी मुख्यमंत्री जी कह रहे, जेजेपी के नेता इस बारे में क्या कहते हैं। तो आपकी बात मैंने मान ली, मैंने अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा था, मगर आपकी बात मान ली, उन्होंने ये कह दिया गया कि जेजेपी शून्य आ गई, शून्य पे आ गई, एक भी वोट नहीं पड़ी जेजेपी के नाम, तो जो पार्टियां शून्य पे आ गई फिर उसके बाद जो है, तो आप जेजेपी वाले जवाब दें वो शून्य पे आए कि नहीं आए, तो इस बात का जवाब तो जेजेपी जानती है, भाजपा जानती है। मैंने जैसे कहा कि लोगों ने गठबंधन को रिजेक्ट किया,